जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। आई एम योर असिस्टेंट टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 13, ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो अबाउट ह्यूमन एज रिसोर्स, रीजंस फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप्ड, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सम एक्सरसाइज इज गिवन फॉर यू। Human as resources. India is blessed with rich natural resources. The natural resources alone are of no use if not utilized wisely and efficiently. To utilize these resources effectively, we need people who are educated, rational, intelligent, and skilled. The people of a country are called its human resource. They are a country's most valuable resource. India is blessed with rich natural resources. India natural resources से प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। The natural resources alone are no use if no utilized. ये लेकिन इन प्राकृतिक रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अगर ये सही से इस्तेमाल नहीं किया गया वाइसली एंड एफिशिएंटली, टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इफेक्टिवली वी नीड पीपल। इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करने के लिए वी नीड, हमें आवश्यकता होती है लोगों की जो कि शिक्षित हों और लॉजिकल हों, जिनको समझ हो कि क्या कहाँ कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल होती है, इंटेलिजेंट हों, बुद्धिमान हैं, स्किल्ड पीपल, जिनके हाथों में स्किल हो यूज करने की। द पीपल ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स। देश के लोग एक देश के ह्यूमन रिसोर्स कहे जाते हैं। दे आर कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जो कि देश के बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं। Reasons for India being underdeveloped. Reason, कारण India being underdeveloped. India underdeveloped क्यों है? India has the second largest population in the world. A large number of people in India live below the poverty line. This means most of the people in the country earn less than their daily needs. They do not earn enough to fulfill their needs. The main reason for poverty in India is its ever increasing population. India is the second largest population in the world. भारत जनसंख्या में दूसरी स्थान पर है पूरे विश्व में। ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन इंडिया, बहुत सारे लोग भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री, बहुत सारे लोग देश में अर्न लेस देन देयर डेली नीड्स, जो कि अपनी आवश्यकताओं से कम कमा पाते हैं, प्रावधान प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट अर्न इनफ टू फुलफिल देयर नीड्स, वो पर्याप्त नहीं कमा पाते टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, इट इज एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मेन रीजन, मुख्य कारण भारत में गरीबी का है, इट्स एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दिन पर दिन बढ़ती जनसंख्या। इंडियाज पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लेन्स एंड डेल्टाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, वाइल डेजर्ट एंड हिली एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। 3 out of 4 इंडियंस लिव इन विलेज। India's population is unevenly distributed. It is not distributed equally because
landforms of India is different and plains and deltas are densely populated. Plain areas or delta area densely populated, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है. Desert and hilly areas, रेगिस्तानी area और पहाड़ी area are sparsely populated, जो कि कम populated है. In India, most of the people live in villages and agriculture is the main occupation. India में ज़्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं और उनका main occupation, उनका मुख्य व्यवसाय खेती है. 3 out of 4 Indian live in villages. For the past many years, many people from villages have been moving to cities in search of work. For the past many years, पिछले कुछ सालों से many people, बहुत सारे लोग from villages, गांव से have been moving, मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं टू सिटीज, शहरों की तरफ, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में. दिस मोमेंट इज नोन एज माइग्रेशन, यह मोमेंट, यह जाना माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है. द माइग्रेटेड पीपल फेस मेनी प्रॉब्लम इन सिटीज सच एज फाइंडिंग शेल्टर एंड जॉब्स. माइग्रेटेड पीपल, जो प्रवासी भारतीय एक जगह से दूसरे जगह काम की खोज में जाते हैं, दे फेस, वो फेस करते हैं मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं इन सिटीज, शहरों में. सच एज फाइंडिंग शेल्टर, जैसे रहने के लिए जगह, एंड जॉब्स, नौकरी. इंडियाज इवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स. इंडिया की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या हैज लेड, बढ़ाती है, टू मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है. ए फ्यू ऑफ देम, इसमें से हैं, आर शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी, एंड वाटर, भोजन और पानी की कमी. शॉर्टेज ऑफ स्कूल एंड कॉलेज इन द कंट्री, स्कूल और कॉलेजों की कमी. लिटरेसी, साक्षरता. इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का बढ़ना. एंड इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी बढ़ना. ये सारी समस्याएं जनसंख्या के बढ़ने की वजह से बढ़ती हैं. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से लिए गए स्टेप्स. द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंश्योर द ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स by initiating human resource development programs. The government is making efforts, सरकार प्रयास कर रही है, to ensure, श्योर करने के लिए, to optimal or use of human resource, best use, human resource का अच्छी तरह use कैसे कर सकते हैं. optimal means best use or most satisfactory use. resource by initiating, स्टार्ट करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है. द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स कास्ट बाय ओवर पॉपुलेशन. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं मिनिमाइज प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, कास्ट बाय ओवर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वृद्धि की वजह से होते हैं. टू चेक प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल लिविंग इन विलेजेस. टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की समस्या को कम करने के लिए, विलेजेस टू सिटीज, गाँव से शहरों की तरफ जाने वाली समस्या को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें रोजगार देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की सुविधाएं, अवसर देने के लिए, टू द पीपल लिविंग इन विलेजेस, गांव में रहने वाले लोगों के लिए. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल एड centers have been opened up in villages. Hospital or medical center khole gaye hain gaon mein.
Land has been given to landless farmers. भूमिहीन किसानों को जमीन दिया जाएगा. And to remove literacy. To remove illiteracy, school have been set up in villages. अशिक्षा को कम करने के लिए स्कूल खोला गया है गांव में. Under different programs, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम में, the government is creating awareness about birth control method and the benefits of a small family. और दूसरे प्रोग्रामों ने, सरकार ने बनाए अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए, अबाउट द बर्थ कंट्रोल, जन्म को कंट्रोल करने के लिए की सुविधाओं के बारे में, एंड बेनिफिट्स ऑफ ए स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार के फायदे के बारे में बताया जाता है. एंड फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. Educated people can efficiently contribute to the development of our country. Therefore, the expansion of the basic educational facilities is major priority. For India to progress, भारत के progress के लिए, the quality of life of people, लोगों की जीवन की शैली, to improve करने के लिए, educated people can efficiently contribute, शिक्षित लोग सहयोग कर सकते हैं देश के विकास में, to development of our country. Therefore, इसलिए expansion of the basic educational facilities is major priority. सरकार की प्राथमिकता है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले. Let us see main points of this chapter. India has rich natural resources. The people of a country are its most valuable resource. And the ever-increasing population of India has led to many problems. Various steps taken by government to minimize the problems caused due to overpopulation and migration. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.